YouTube चैनल द न्यू एक्टिव वर्ल्ड में मैं नाज़िर अब्बानी। दोस्तों आज बात करेंगे कि कैरियर माइडिया के सिस्टम में रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं। बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके बात करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप उस काम में आगे बढ़ें और बेसिक तरीके से उस काम को करें। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एसी को रिप्लेसमेंट करने के लिए उससे पहले उस एसी को अच्छी तरीके से चेक करना पड़ता है, रिजोल्यूशन करना पड़ता है इन्हें केस। लास्टली अगर कस्टमर रिपेयर के लिए रेडी नहीं है या स्टॉक का रिप्लेसमेंट है तब जाकर के रिप्लेसमेंट किया जाता है। रिप्लेसमेंट के लिए बेसिक सा चीज़ है कि आपको ऊपर सीनियर ब्रांच मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ता है, HOD को मेल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए किसी भी एसी को नॉर्मली हम लोग रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस हैं। तो उन सभी में से आज सिस्टम के द्वारा कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, ऑर्डर जनरेट कैसे करते हैं और सारे कुछ सिस्टम में क्या क्या चीज़ भरते हैं और FSR को क्या क्या चीज़ लिख के रिटर्न में देते हैं, उन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं टाइम को बिना डिले करते। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आदित्य विजन का स्टॉक का कंप्लेन है, यहाँ पे हम चलते हैं और सबसे पहले आप जैसे ही उसमें जाइएगा चेक इन और चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि आपको बार बार रिमाइंडर नहीं आएगा, तभी किसी कॉल में हम जाते हैं। तो हम चेक इन और चेकआउट कर लिए हैं अपने मीमो में, कैरियर का जो मीमो रहता है जिससे हम लोग कॉल क्लोज करते हैं। इसके बाद आप चलेंगे जो भी कॉल है सिस्टम में, तो यहाँ देख सकते हैं कैरियर आदित्य विजन का कॉल है स्टॉक में। तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो इस तरीके का आ जाएगा प्रेस। सबसे पहले एसी में जो भी प्रॉब्लम है, आपने जो भी फाइंड आउट किया है, जो भी प्रॉब्लम है उस एसी को आपको चेक कर लेना है। अगर नो कूलिंग का प्रॉब्लम है तो ऊपर में जो है प्रॉब्लम लोकेशन सबसे पहला वाला, उसमें आपको नो कूलिंग सेलेक्ट करना है, या अदर प्रॉब्लम है तो अदर प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिया। मैंने पहले में नो कूलिंग सेलेक्ट कर लिया। अदर डिफेक्ट फाउंड, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर प्रॉब्लम है जो आपसे रिपेयरेबल नहीं है तो अदर डिफेक्ट फाउंड कर दीजिएगा। और नीचे में जो है मैकेनिकल पार्ट्स रिप्लेसमेंट, किसी भी पार्ट्स को जब हम चेंज करते हैं तो नीचे का जो है सिस्टम है, जो थर्ड नंबर का मैकेनिकल पार्ट्स रिप्लेसमेंट है, इसको सेम रखेंगे, इसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे, तभी आप जा करके किसी भी पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम प्रोसेस में कर दिए हैं, अब बताते हैं कि ऐड आइटम में कैसे उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। ऐड आइटम में जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी तो देख सकते हैं, सबसे पहले हम जब भी रिप्लेसमेंट करेंगे जो भी प्रोडक्ट को करना है तो उसके सीरियल नंबर में जो भी मॉडल रहता है लिखा रहता है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 12 के 3 स्टार ड्यूराफ्रेश NX स्प्लिट एसी है, तो ये जो है ये मॉडल को मेरे सेलेक्ट करना है। किसमें? ऐड आइटम में जाना है, मीमो के अंदर ऐड आइटम में जाएंगे और 12 के ड्यूराफ्रेश NX स्प्लिट एसी 12 के 3 स्टार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आ जाएगा। उसके बाद आउटडोर का जो भी यूनिट कोड होगा आप आइटम कोड के हिसाब से पहले बॉम्ब सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद यही मॉडल आएगा, यही इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलते हैं अब आगे का प्रोसेस आपको दिखला। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ हम सेकंड पेज में आ गए हैं और देख सकते हैं पहला वाला रिजेक्ट हो गया है, किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया था जिसमें हम मैनेजर अप्रूवल से बात नहीं किए थे इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब हम अगला प्रोसेस डालते हैं कि ऐड आइटम कैसे करते हैं। ऐड आइटम करने के लिए सबसे पहले ऐड आइटम जो वहाँ पर डाला हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं बॉम्ब के नीचे ऐड आइटम के, ऐड आइटम में नीचे देख सकते हैं जो भी उसका मटेरियल नंबर है, ऊपर में पेरेंट आइटम कोड आ रहा है। उसके बाद जैसे हम लिखेंगे 12 के, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। देख सकते हैं नीचे आ गया 12 के ड्यूराफ्रेश 3X, देख सकते हैं 12 के 3 स्टार ड्यूराफ्रेश NX आ गया है और जो भी यहाँ पे सीरियल नंबर है उस मशीन का डाल देंगे। मशीन का सीरियल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे मैंने सिर्फ अभी आउटडोर को चेंज करना है इसीलिए मैंने सिर्फ आउटडोर सेलेक्ट किया है, अगर इंडोर को चेंज करना है तो इंडोर का भी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आउटडोर सेलेक्ट किए हैं क्योंकि मेरे सिर्फ आउटडोर रिप्लेसमेंट करना है। आउटडोर रिप्लेसमेंट के लिए जो भी आप सीरियल नंबर पहले से मशीन में ओल्ड वाला रहेगा यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है कि ये जो काम आप जब भी रिप्लेसमेंट में डालेंगे तो आगे बात कर लेंगे मैनेजर अप्रूवल से, एक बार ज़रूर कम से कम उनको बता दीजिएगा कि मैं ये मशीन को रिप्लेस कर रहा हूँ और कैसे कैसे डालना है वो बता देंगे, लेकिन मैं इसको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। जो भी चीज़ बता रहे हैं बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से देखिए। सबसे पहले सर्विस आउटकम में जाएंगे, सर्विस आउटकम में नीचे 3रे नंबर पे जो वर्क पेंडिंग है उसको सेलेक्ट करेंगे। थर्ड में देखिए अवेटिंग मैनेजर अवेटिंग पार्ट्स है और उसके नीचे और कीजिएगा तो कस्टमर वांट रिप्लेसमेंट है, तो कस्टमर वांट रिप्लेसमेंट को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी
इसका ये है, यानी जो भी प्रॉब्लम है उस एसी में उसको अच्छी तरीके से मैनेजर से पूछ करके रिमार्क्स बहुत माने रखता है कि एसी किसके द्वारा लगाया गया है, कौन लगाया है, कब लगा है, डेट ऑफ परचेज क्या है, कस्टमर सर्विस सेंटर के द्वारा लगाया गया है कि नहीं, या स्टॉक का कंप्लेन है, या फिर आउटडोर गिर गया है, या जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसको एकदम बेसिक तरीके से लिखना है। सर्विस ब्रांच मैनेजर से आउटकम रिमार्क्स में आप पूछ लीजिए कि क्या लिखना है। आपको ऐसे मालूम होना चाहिए कि कोई भी एसी में क्या प्रॉब्लम है, आपने 5 बार रिपेयर किया, 6 बार रिपेयर किया, उसके बाद भी रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो जो भी बेसिक आ रहा है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ इसके बाद आगे नीचे आपको एक सबमिट का बटन दिखला रहे हैं। दोस्तों ये तीनों चीज़ जो मैंने बताया है इसको बहुत ही बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ जो है एसी रिप्लेसमेंट में बहुत माने रखता है। सबसे पहले सर्विस आउटकम में वर्क पेंडिंग, दूसरे में आपको ध्यान देना है कि कस्टमर वांट रिप्लेसमेंट, और थर्ड में सर्विस आउटकम रिमार्क्स में जो भी प्रॉब्लम है उसको डाल दीजिएगा। ये तीनों चीज़ जो है एसी रिप्लेसमेंट में बहुत माने रखता है। इसी यहीं पे अगर आपने गलत सेलेक्शन कर दिया है तो एसी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। इसके बाद का प्रोसेस भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब आगे का प्रोसेस दिखलाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसके सर्विस आउटकम लिखने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट विजिट को नो रखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में इसमें कोई अपलोड नहीं करना है। अब आपको डायरेक्ट सबमिट के बटन पे जाना है। सबमिट के बटन पे जैसे जाइएगा उसके बाद आपको सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद वो कॉल जो है डायरेक्ट सिस्टम में चला जाएगा। उसके बाद आगे दोस्तों जैसे सर्विस में जाइएगा तो इस तरीके का आ जाएगा आदित्य विजन, यहाँ पे सर्विस पे क्लिक कीजिएगा तो आदित्य विजन का सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक आउटडोर का सीरियल नंबर और एक जो है आउटडोर के सीरियल नंबर। जैसे आप कॉल खोलिएगा तो उसके नीचे जो है मटेरियल कोड 220 करके होगा, वो ध्यान देना है। दोनों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ब्लर टाइप का आ रहा है जिसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसीलिए तो मैं आगे आप। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ जो है आपको दो चीज़ ध्यान देना है, एक जो है 12 के 3-स्टार ड्यूराफ्रेश एनएक्स और डूयू के बगल में 2240500689890 है, इस कोड को ध्यान देना है, और ये सीरियल नंबर। दोनों को वहाँ जैसे आप सेकेंड पेज में जाइएगा इस दोनों को मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको नीचे आना है, कर्सर में यहाँ देख सकते हैं ये दोनों को आपको ध्यान देना है। अब इसको डालते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखलाते हैं। इसको जैसे डालेंगे उसके बाद इस तरीके का आ जाएगा, एक आउटडोर जो है कंज्यूम में चला जाएगा। कंज्यूम में जाएगा तो आपको इस तरीके का आ जाएगा, 12 के 3-स्टार ड्यूराफ्रेश एनएक्स आउटडोर आ जाएगा। जो भी है 5 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, आउट ऑफ वारंटी है, इन वारंटी है, जो भी वहाँ पे लिख देगा, उसके बाद वो रिप्लेसमेंट में चला गया। इसके जाने के बाद आपको एक आउटडोर का सीरियल नंबर का स्टिकर होना चाहिए, ये स्टिकर को अपलोड करना है, और एक FSR होना चाहिए जिसमें सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। FSR के बाद आपको क्या होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, इनवॉइस भी जनरेट किया जाता है, इनवॉइस भी अपलोड किया जाता है, और एक मेल जो आया हुआ है रिप्लेसमेंट का वो होना चाहिए। ये चार चीज़ डाल करके आप सारे कुछ को चेक कर लीजिएगा एक बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करके, उसके बाद सबमिट कर दिया। यहाँ देख सकते हैं चार चीज़ें आप देख सकते हैं, एक बिल का JPG फॉर्म अपलोड करना है, FSR का भी करना है, आउटडोर का सीरियल नंबर का, और मेल अप्रूवल डॉक्स का करना है। ये चारों चीज़ हो गया, चारों चीज़ डॉक्यूमेंट्स में जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में अपलोड कर दीजिएगा, इस तरीके का आ जाएगा, इस तरीके का आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आप चारों तरफ देख लीजिएगा, एक एस्टिमेट अप्रूवल है, एक मैनेजर में आया हुआ है, तो यहाँ पे एक कंजम्पशन पेंडिंग वाले पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ ऑर्डर लगे, यानी एक इंडोर किए हैं तो इंडोर का आ जाएगा, आउटडोर किए हैं तो आउटडोर का आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ दोनों का आ गया है, आउटडोर मैंने सिर्फ लगाया है तो आउटडोर का यहाँ अभी पेंडिंग है मैनेजर अप्रूवल में। मैनेजर जैसे अप्रूव होगा उसके बाद ये ऑर्डर लग जाए। एक चीज़ आपको और दिखलाना है, ये जब सबमिट कर दीजिएगा तो आप नीचे जाइएगा, यहाँ देखिएगा रिप्लेसमेंट रीज़न हो जाएगा, एक्सेप्टेशन हो गया, पेन नंबर आ जाता है। अगर ये पेन नंबर जनरेट हो गया तो इसी के द्वारा जो है आपका मटेरियल डिलीवर हो जाएगा जब मैनेजर अप्रूव्ड हो जाए। तो दोस्तों देखा मैंने एक एक करके सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन इसी प्रकार का मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।